राहुल गांधी के नेताओं की पूरी पलटन लेकर सूरत जाने और संसद में काले कपड़े पहनकर विरोध करने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों ही पर हमले किए और ऐसे हमले किए कि पूरी कांग्रेस तिलमिला उठी। सिंधिया के बयान के बाद पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के बचाव में उतर आई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कौन किस पर दबाव डाल रहा है ये समझना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने सवाल किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बताएं कि उनकी मांग क्यों गलत है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दिया था। सिंधिया ने कहा था कि राहुल गांधी कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। पहली बार किसी की सदस्यता रद्द नहीं हुई, संसद को चलने नहीं दिया जा रहा। सिंधिया ने राहुल गांधी पर कोर्ट के ऊपर दबाव बनाने का आरोप लगाया। आरोपों के जवाब में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमें खुद समझा दीजिए कि हमारी मांग क्यों गलत है। दबाव के आरोपों पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी पर कभी दबाव नहीं डालती है। मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि सरकार दबाव डाल रही है, लेकिन एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति जिसे 3 साल की सजा है उसके बावजूद उसकी सदस्यता रद्द नहीं की जाती और एक व्यक्ति जिसने सच कहा उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। कौन दबाव किसके ऊपर डाल रहा है ये समझना चाहिए। राहुल गांधी ने जिस तरह अपनी निजी कानूनी लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई बनाने की कोशिश की, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस ने इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। सिंधिया ने आगे कहा कि कांग्रेस के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास के नागरिक हैं, जबकि आप और हम थर्ड क्लास के नागरिक हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी फौज लेकर सूरत कोर्ट गए, इसे कोर्ट पर दबाव बनाना कहा जाएगा। सिंधिया ने आगे कहा कि राहुल गांधी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है। जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है, क्या वे नेताओं की पूरी फौज लेकर जाता है? देश में जो गतिविधियां राहुल गांधी की रही हैं, उस पर मैं कुछ तथ्य रखता हूं। पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दबाव और धमकी के लहजे में अपनी लड़ाई को लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।